अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान अर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी ट्रांसमिशन मीडिया टुडे, वेयर इन वी विल सी द गाइडेड मीडिया इनिशियली। सो व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया? वी कैन इजीली अंडरस्टैंड बाय सीइंग दिस डायग्राम कि इफ देयर इज अ सेंडर एंड अ रिसीवर and when they both communicate to each other, there is a transmission media in between them. So transmission media is a pathway that carries the information from sender to receiver. Transmission media kya hai? Ek pathway hai jo ke in sender se information ko receiver tak lekar jata hai. Transmission media, we have basically two types: guided media, अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड को हम वायर्ड भी कहते हैं, अनगाइडेड को हम वायरलेस भी कहते हैं। गाइडेड मीडिया में हमारे पास तीन तरह के मीडियाज़ हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, जबकि अनगाइडेड में हमारे पास फ्री स्पेस है। वी विल सी फाइबर ऑप्टिक एंड फ्री स्पेस इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, बट इन दिस लेक्चर इस लेक्चर में हम ये दो देखेंगे, ट्विस्टेड पेयर को और कोएक्सियल केबल को देखेंगे। सो गाइडेड मीडिया क्या है? विच आर दोस दैट प्रोवाइड अ चैनल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, इंक्लूड ट्विस्टेड पेयर केबल। गाइडेड मीडिया क्या है कि ये आपको एक पाथ प्रोवाइड करता है, एक डेडिकेटेड पाथ प्रोवाइड करता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, जबकि अनगाइडेड मीडिया आपको डेडिकेटेड पाथ प्रोवाइड नहीं करता। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ पर गाइडेड मीडिया में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पास होते हैं, जबकि अनगाइडेड मीडिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास होती हैं विदाउट यूजिंग अ फिजिकल कंडक्टर। अब हम आ जाते हैं गाइडेड मीडिया की पहली टाइप की तरफ, जिसको हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल इज अ कॉपर बेस्ड केबल दैट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स विद इट्स ओन प्लास्टिक इंसुलेशन ट्विस्टेड टुगेदर। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखें तो ये दो आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये दो कंडक्टर्स हैं, और ये जो पिंक कलर में नज़र आ रही है इसकी क्या है? इंसुलेशन है। और ये दो वायर्स हैं, ये एक वायर है और ये दूसरी वायर है। ये क्या होती है? ये ट्विस्ट होती है। दोनों जो वायर्स हैं एक दूसरे पर ट्विस्ट हैं। अब हम इसको ट्विस्ट बेसिकली क्यों करते हैं, ये ट्विस्ट हम क्यों करते हैं कि वाई दिस केबल इज ट्विस्टेड? इसलिए करते हैं कि हमारा जो अनगाइडेड मीडिया है, जो हमारा एयर है, जो फ्री स्पेस है, वहाँ पे बहुत सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करती हैं। ये आपका फिजिकल मीडिया है, ये आपका सारा का सारा फ्री स्पेस है, तो यहाँ पर आपके बहुत सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करती हैं, तो उनका जो इंटरफेरेंस है इस मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं? टू प्रोटेक्ट द डेटा ट्रैवलिंग इन दिस गाइडेड मीडिया, इन दिस ट्विस्टेड पेयर केबल, वी ट्विस्ट द टू केबल्स। हम क्या कर लेते हैं? हम टू केबल्स को ट्विस्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को से डेटा को बचाने के लिए। सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रॉस टॉक और इंटरफेरेंस नॉइस। तो ये जो ट्विस्ट है इसका, ये हमें किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? जो बाहर से जितनी भी इंटरफेरेंस आती है, आउटसाइड से जितनी इंटरफेरेंस आती है, फॉर एग्जांपल क्रॉस टॉक है या शोर वगैरह जितना भी है, वो उससे बचाने के लिए हम इसको ट्विस्ट करते हैं। इसमें दो वायर्स हैं, एक वायर कैरी करती है सिग्नल को टू द रिसीवर, वायर सेकेंड वायर इज यूज एट द ग्राउंड रेफरेंस। जितना ट्विस्ट पर लेंथ ज़्यादा होगा, उतनी ही केबल की क्वालिटी जो होगी वो क्या होगी? बेहतरीन होगी। जितना मतलब ये कि जितना भी ट्विस्ट ज़्यादा होगा दो केबल्स में, उतना ज़्यादा वो बेहतरीन आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करेगा। ट्विस्टेड पेयर के एडवांटेजेस क्या हैं? बहुत आसान, इजी, सस्ती है, आप इसको बहुत सस्ते दामों खरीद सकते हैं, आसानी से आप इसको
इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसको डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है लो डेटा रेट, कि डेटा ट्रैवलिंग जो डेटा रेट जो स्पीड है वो इसकी क्या है, वो कम है। इसको हम देखते हैं अगली स्लाइड में डेटा रेट से क्या मुराद है। शॉर्ट रेंज है मतलब 100 मीटर तक, इसको आपको 100 मीटर तक दो कंप्यूटर्स को या दो नोड्स को मैक्सिमम कनेक्ट किया जा सकता है। एप्लीकेशंस क्या है, वेरी कॉमन मीडियम है, बहुत से जगह पर इस्तेमाल होता है। कहाँ इस्तेमाल होता है हाँ, आपको भी पता चल जाएगा कि कैन बी यूज इन टेलीफोन नेटवर्क्स। टेलीफोन नेटवर्क जो हमारे घर में PTCL मौजूद है वहाँ पे भी हम इस UTP या ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ कर रहे हैं। लोकल एरिया नेटवर्क जब हम बनाते हैं वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। DSL मोडेम्स वगैरह जो हम घर में जिसके थ्रू हम इंटरनेट हासिल करते हैं उसमें भी हम ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ करते हैं। अब ट्विस्टेड पेयर केबल की दो किस्में हैं, अनशील्डेड है और एक शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है कि पेयर ऑफ अनशील्डेड वायर्स ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। अब देखें ये दो वायर हमने, जैसे ये कंडक्टर है, ये इसका इंसुलेटर है, ये इसकी जो है प्लास्टिक कवर है। ये क्या है, पेयर ऑफ अनशील्डेड वायर्स ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। ये हमारे पास ट्विस्टेड पेयर के अनट्विस्टेड पेयर केबल कहलाती है। इजी टू इंस्टॉल है। एप्लीकेशन वही जैसे हमने कहा, कहाँ पे यूज़ हो रही है, टेलीफोन में इस्तेमाल कंपनीज यूज़ कर रही हैं, DSL के थ्रू इंटरनेट हासिल करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। लोकल एरिया नेटवर्क अगर आप बनाना चाहते हैं वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेलीफोन कंपनीज ने या PTCL वालों ने इसका एक केबलिंग की हुई है। ये आपको एक ट्विस्ट अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल दिखाई गई है जिसमें 8 वायर्स हैं और 4 पेयर्स हैं। अब यहाँ पर देखें कि उसका जो डेटा रेट है, अब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूज इन टेलीफोन लेस देन 0.1 मेगाबिट पर सेकेंड, ये इसका डेटा रेट है, ये टेलीफोन में यूज होता है। 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड जो है ये भी T1 लाइंस, ये भी PTCL वगैरह, ये जो आपके टेलीफोन कम्युनिकेशन कंपनीज हैं वो यूज़ करती हैं, करती थी, जो कि 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड आपको स्पीड प्रोवाइड करती थी। रफ्ता रफ्ता ये यूज़ होना शुरू हो गया लोकल एरिया नेटवर्क्स में। लोकल एरिया नेटवर्क में कैटेगरी 2 है, तो यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड आपको ये प्रोवाइड करना स्पीड डेटा रेट प्रोवाइड करता था। फिर फर्दर 20 मेगाबिट्स पर 100, तो ये तमाम जो कैटेगरीज आपको 3 से ऑनवर्ड 7 तक नज़र आ रही हैं ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, मुख्तलिफ डेटा रेट्स प्रोवाइड करते हैं। और ये तमाम जो कैटेगरीज हैं 3 to 7 ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होती हैं, जबकि 1 और 2 कैटेगरी जो है ये आपके टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होती हैं। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो है इसके एडवांटेजेस क्या है, एफोर्डेबल है, इजीली आप इसको परचेज कर सकते हैं। हर मुख्तलिफ नेटवर्क्स में इस्तेमाल होती है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स में इस्तेमाल होती है, और कंपेटिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा सिस्टम्स के साथ आपको मिलती है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सफ़र्स फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इससे क्या होती है, सफ़र होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया। ये आपको एक स्विच नज़र आ रहा है, ये इसके साथ क्या है, 3 UTP केबल UTP पोर्ट में कनेक्ट है। अब ये कहाँ पे कनेक्ट है, कौन सी पोर्ट में कनेक्ट है, ये कनेक्टर कौन से हैं, जिस पोर्ट में ये कनेक्ट है उसको RJ45 फीमेल पोर्ट कहा जाता है, और ये RJ45 मेल कनेक्टर है, ये कनेक्टर है और ये जो है फीमेल कनेक्टर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 केबल्स, 8 केबल्स होंगे तो कितने पेयर्स हो जाएंगे, 4 पेयर्स हो जाएंगे। RJ स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड जैक। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर बिल्कुल इसके अपोजिट है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो है ये IBM ने स्पेशली बनाई थी टोकल रिंग नेटवर्क्स के लिए। इसमें उसमें फ़र्क क्या है कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो आपको बेहतर क्वालिटी आप डेटा जो है प्रोवाइड नहीं करती, जबकि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर आपको ज़्यादा जो है क्वालिटी डेटा प्रोवाइड करती है। इसकी वजह क्या है कि इसके अंदर हम एक एडिशनल शील्ड यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो होता है वो और ज़्यादा कम हो जाता है। इसमें वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे
जो शील्ड यूज हो रही है वो क्या है कि पेयर ऑफ वायर्स वोन्ड अराउंड ईच अदर प्लेस्ड इन साइड अ प्रोटेक्टिव फॉइल रैप। अब वहाँ पे देखें यूटीपी में ये जो दो इंसुलेटर कंडक्टर जो इंसुलेटर थे इनको जो है एक मेटल शील्ड में प्रोटेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। ये मेटल शील्ड आपको क्या प्रोटेक्ट मजीद आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप देखें ये वही आपकी यूटीपी केबल की तरह की केबल्स और ये एक आपको मेटल ब्रैडेड शील्ड है जो कि इनको प्रोटेक्ट किए हुए है और इसके ऊपर इसका प्लास्टिक कवर है। तो ये शाज़ोनादर ही इस्तेमाल होती है, सिर्फ आईबीएम इसको टोकलरिंग नेटवर्क के लिए इस्तेमाल करता है। एडवांटेजेस क्या है, वही जैसे मैंने बताया कि शील्डिंग रिड्यूसेस द चांस ऑफ क्रॉसटॉक एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरफेरेंस, ऑफर्स बेटर इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स देन अनशील्डेड केबल। डेफिनेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जब कम होगा तो बेटर आपको डेटा रेट भी मिलेगा और बेटर आपको इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स भी मिलेंगी, फास्टर होती हैं यूटीपी से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आपको कम मिल रहा है इसलिए फास्टर भी होती हैं। इसकी भी लेंथ जो होती है 100 मीटर है, मैक्सिमम लेंथ 100 मीटर इसकी लेंथ है दो कंप्यूटर के दरमियान, जो कंप्यूटर को जब आप कनेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम 100 मीटर तक कनेक्ट कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है, मोर एक्सपेंसिव है, एसटीपी शील्ड इफ नॉट ग्राउंडेड प्रॉपरली कैन एक्ट एज एन एंटीना एंड पिक्स अप अनवांटेड सिग्नल्स, इट हैज़ ए हाई एटेन्यूएशन रेट, मतलब ये है कि इसमें भी डेटा जो लेसनिंग प्रॉब्लम है, डेटा लेसनिंग प्रॉब्लम या वीक सिग्नल प्रॉब्लम है ज़्यादा है, यूटीपी में भी ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है। नो इम्प्रूवमेंट इन सेगमेंट लेंथ, वही 100 मीटर है, स्पाइट इट थिक एंड हैवियर कंस्ट्रक्शन। शील्डिंग इंक्रीज द ओवरऑल डायमीटर एंड द वेट ऑफ द केबल, डायमीटर और वेट ऑफ द केबल को तो शील्डिंग बढ़ा देती है, हेंस इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू इंस्टॉल कम्पेयर टू यूटीपी केबल्स, द लार्जर थिकनेस मेक्स देम अनफिट फॉर नैरो केबल डक्ट्स। इसीलिए इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो यूटीपी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हमने क्या जाना कि यूटीपी ज़्यादातर इस्तेमाल होती है और एसटीपी बहुत कम ही यूज़ होती है। एसटीपी जहाँ पे इस्तेमाल हो रही है वो आईबीएम टोकनिंग नेटवर्क्स हैं जहाँ पे एसटीपी इस्तेमाल हो रही है। अब हम आ जाते हैं कोएक्सियल केबल की तरफ। कोएक्सियल केबल कैरीज सिग्नल ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी रेंजेस दैन ट्विस्टेड पेयर केबल। इनर कंडक्टर इज अ सॉलिड वायर। अब यहाँ पे देखें ये इनर कंडक्टर है, एक सॉलिड वायर है और ये इसका इंसुलेटर है। अब यहाँ पे आप देखें ये क्या है, आउटर कंडक्टर शील्ड है, इंसुलेटर को भी कवर किया गया है एक शील्ड के थ्रू और उसके ऊपर फिर इंसुलेशन की गई है और फिर उसका क्या है प्लास्टिक कवर है। आउटर कंडक्टर सर्व्स एज अ शील्ड अगेंस्ट नॉइज एंड अ सेकंड कंडक्टर। तो और ज़्यादा इस केबल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचाने के लिए एक आउटर कंडक्टर लगाया गया है, इंसुलेटर को आउटर कंडक्टर में बंद किया गया है और उसको मजीद इंसुलेट किया गया है और उसको मजीद प्लास्टिक कवर में बंद किया गया है ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो है वो बहुत हद तक कम हो जाए। अब हम देखते हैं कि हम नेटवर्क जब बनाते हैं कोएक्सियल केबल के थ्रू तो कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो कनेक्ट कोएक्सियल केबल टू डिवाइसेस वी नीड कोएक्सियल कनेक्टर्स। अब यहाँ पे आपको एक टी नज़र आ, इसको हम टी भी कहते हैं, BNC टी। BNC स्टैंड्स फॉर बायन नेल कंसेलमैन। तो यहाँ पर आप देखें ये आपको नज़र आ रहा है ये एक टी की फॉर्म में, ठीक है। अब BNC कनेक्टर इज यूज एट द एंड ऑफ द केबल टू डिवाइस फॉर एग्जाम्पल TV सेट कनेक्शन। BNC टी कनेक्टर यूज टू ईथर नेटवर्क टू ब्रांच आउट कनेक्शन टू कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस। और टर्मिनेटर BNC टर्मिनेटर इज यूज एट द एंड ऑफ द केबल टू प्रिवेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ द सिग्नल। अब फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर ये है, अब इन दोनों को आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो अब चूंकि ये जो कोएक्सियल केबल है ये आपको एक शेयर्ड मीडियम प्रोवाइड करती है, तो इसी शेयर्ड मीडियम के ऊपर जैसे कि हमने बस टोपोलॉजी पढ़ा था, तो बस टोपोलॉजी में हम कोएक्सियल केबल यूज़ करते हैं, तो हर चूंकि कोएक्सियल केबल एक शेयर्ड मीडियम प्रोवाइड करती है तो
इस शेयर्ड मीडियम के ऊपर बहुत से कंप्यूटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। जब हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाहते हैं तो वी यूज दिस BNCT, ठीक है। बेसिकली जब हम कोएक्सियल केबल यूज करते हैं और बस टोपोलॉजी में हम यूज करते हैं तो हमारे पास जो नेटवर्क बनता है उसको हम कहते हैं ईथरनेट नेटवर्क। अब यहाँ पे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हम BNCT यूज करते हैं और फिर इसके साथ एक केबल अटैच करते हैं, BNC कनेक्टर, ठीक है, जो कंप्यूटर को कनेक्ट करती है। जबकि ये एक टर्मिनेटर है जो केबल का एक एंड और केबल के दूसरे एंड पर लगाया जाता है। इस एंड पे भी लगेगा और उसके दूसरे सिरे पर भी लगेगा। कोएक्सियल केबल की एप्लीकेशंस क्या है? मोस्ट वर्सटाइल मीडियम है, टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है। आपने केबल टीवी में देखा होगा जो ब्लैक कलर की केबल आपको नज़र आती है, जो आपके कंप्यूटर के या टेलीविजन के पीछे लगती है, वो आपकी कोएक्सियल केबल कहलाती है। आप उसको छील कर देख सकते हैं और वो बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि कोएक्सियल केबल मैंने आपको बताया है। लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होती है, कैन कैरी 10,000 वॉइस कॉल साइमल्टेनियसली। शॉर्ट डिस्टेंस कंप्यूटर लिंक्स के लिए इस्तेमाल होती है, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होती है। कोएक्सियल केबल के एडवांटेजेस क्या? इनएक्सपेंसिव है, सस्ती है, इजी टू वायर एंड स्टाइल है, आसानी से आप कर सकते हैं, एक्सपेंड भी इजीली कर सकते हैं। रेजिस्टेंस गुड, रेजिस्टेंस टू EMI है, जैसे कि आपने देखा कि हमें ये आउटर कंडक्टर भी प्रोवाइड करती है, फिर उसके बाद इंसुलेट उसको किया जाता है, फिर उसके बाद एक प्लास्टिक जैकेट भी है, तो हमें ज़्यादा जो है प्रोटेक्शन मिलती है EMI से। अप टू 10 मेगाबिट्स पर सेकंड कैपेसिटी ये आपको प्रोवाइड करते हैं, मतलब डेटा रेट जो है वो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड ये प्रोवाइड करती है, फ्रॉम सेंटर ड्यूरेबल भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है? सिंगल केबल फेलियर कैन टेक डाउन एन एंटायर नेटवर्क। आपका शेयर्ड मीडियम है, अगर वो डिस्टर्ब होता है तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ कोएक्सियल केबल इज हाई ड्यू टू इट्स थिकनेस एंड स्टिफनेस, इसीलिए ये मुश्किल है, इसकी इंस्टॉलेशन जो है हर कोई नहीं कर सकता। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज आल्सो हाई। अब यहाँ अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये जो कोएक्सियल केबल है CCTV कैमराज में भी इस्तेमाल होती है। अच्छा यहाँ पे हम देखते हैं कि हम जो केबल टीवी नेटवर्क बनाते हैं वहाँ पे जो कोएक्सियल केबल की कैटेगरी इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं RG59, वेयर RG स्टैंड्स फॉर रेडियो गाइड। कोएक्सियल केबल को हम RF केबल्स भी कहते हैं, RF स्टैंड्स फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी केबल्स। अब जो दो तरह के हमारे पास ईथरनेट होते हैं, जैसे कि हमने कहा कोएक्सियल केबल ईथरनेट नेटवर्क में इस्तेमाल होती है, एक ईथरनेट हम उसको कहते हैं थिन ईथरनेट, दूसरे को थिक कहा जाता है। हम इसको लेक्चर फर्दर फ्यूचर में लेक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। थिन इंटरनेट में जो कैटेगरी यूज होती है उसको हम RG58 कहते हैं केबल, और जो थिक ईथरनेट है वो RG11 कैटेगरी में आ जाता है। थोड़ा सा बता दूं आपको थिन ईथरनेट के बारे में कि जो मैंने बस टोपोलॉजी की बात की, और बस टोपोलॉजी में जो शेयर्ड मीडियम होता है जिस पे हम वन और मोर देन वन कंप्यूटर्स को जो है कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे BNC बैरल कनेक्टर्स यूज होते हैं, टर्मिनेटर दोनों एंड्स पर इस्तेमाल होते हैं, ये हमारा बेसिकली थिन ईथरनेट कहलाता है। जबकि जो थिक ईथरनेट है ये हमारा दो सेगमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। बाकी डिटेल इंशाल्लाह हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी फाइबर ऑप्टिक केबल। थैंक यू वेरी मच।